साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू। बात 1935 के आसपास की है। जब नवनिर्मित कनॉट प्लेस क्षेत्र में रीगल कॉम्प्लेक्स का निर्माण शुरू हुआ, दिल्ली के नामी बिल्डर सर बहादुर शोभा सिंह ने इस परिसर का निर्माण कार्य शुरू किया। परिसर में बने रीगल थिएटर में सबसे पहले ब्रिटेन की एक स्टंट फिल्म लगाई गई। खास बात यह है कि कई नामी हस्तियों के अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी यह शो देखने के लिए बुलाया गया था। सिर्फ एक साल तक इस सिनेमा घर को सर शोभा सिंह ने चलाया। उसके बाद उन्होंने इसे लीज के आधार पर उद्योगपति राजेश्वर दयाल को दे दिया। 1939 से ही इस थिएटर का संचालन कर रहे राजेश्वर दयाल को आज भी इस थिएटर की पुरानी यादें इस तरह ताज़ा है मानो वे दो तीन दिन पहले का ही किस्सा हो। गौरतलब है कि पहले यहाँ सिर्फ अंग्रेजी फिल्में ही लगाई जाती थी, इसलिए कनॉट प्लेस के पास बने अंग्रेजी सरकार के दफ्तरों में काम करने वाले लोगों के और शहर के अमीर लोग ही यहाँ सिनेमा देखने आया करते थे। वैसे अंग्रेजी फिल्मों की डिमांड भी ज़्यादा थी यहाँ। थिएटर के संचालन के कार्य में लगे सिनेमा के भागीदार सिद्धेश्वर दयाल बताते हैं, 1945 से 1950 के बीच यहाँ जब अंग्रेजी फिल्मों की मांग कम हो गई थी तो थिएटर पर बैले ड्रामा और संगीत के कार्यक्रम भी होने लगे। उल्लेखनीय है कि पृथ्वीराज कपूर के पृथ्वी थिएटर ने यहाँ सबसे ज़्यादा नाटकों का मंचन किया। इन नाटकों में उस समय राज कपूर, शम्मी कपूर और जोहरा सेगल जैसे नामी और प्रतिष्ठित कलाकार भाग लिया करते थे। सिद्धेश्वर दयाल बताते हैं कि दिल्ली का इस पहले थिएटर से राज कपूर का ऐसा नाता जुड़ा कि उनकी लगभग सभी फिल्में यहाँ रिलीज की गई। बरसात, श्री 420, आवारा, जागते रहो, जिस देश में गंगा बहती है, सत्यम शिवम सुंदरम, धर्म करम, मेरा नाम जोकर, बॉबी आदि यहाँ सबसे ज़्यादा चलने वाली फिल्में हैं। टिकट खिड़की पर भीड़ जुटाने वाली कुछ अन्य फिल्में हैं, दो आंखें 12 हाथ, मदर इंडिया, प्यासा, कागज़ के फूल, साहेब बीवी और गुलाम। बहरहाल 80 के दशक में राजश्री फिल्म्स की प्रतिघात ने आखिरी बार इस सिनेमा को सिल्वर जुबली की ट्रॉफी दिलाई। उसके बाद से दयाल बंधुओं को सिल्वर जुबली की ट्रॉफी का इंतजार रहा। रीगल सिनेमा की लोकेशन कनॉट प्लेस का इनर सर्कल। यहाँ सीटों की कैपेसिटी, बॉक्स ऑफिस 40, बालकोनी 159, रिजर्व 305, जनता क्लास 180 सीटें। पार्किंग, सिनेमा के सामने पालिका पार्किंग में पर्याप्त व्यवस्था। प्रोजेक्शन, 4 प्रोजेक्टर, साउंड, स्टीरियोफोनिक साउंड स्पीकर, एयर कंडीशनिंग, 90 टन का कैपेसिटी एसी प्लांट, रेस्तरा, शुद्ध शाकाहारी रेस्तरा। जन सुविधाएं, 4 बालकोनी के लिए और 2 मेन हॉल ऑडिटोरियम के पास। सबसे ज़्यादा चलने वाली फिल्म मदर इंडिया, 43 सप्ताह। सिनेमा हॉल की ओपनिंग फिल्म गॉन विंदा विंड के साथ हुई और फिल्म का आखिरी शो राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर और संगम के साथ 30 मार्च 2017 को आखिरी बार यहां पे फिल्म दिखाई गई। साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।